हरिजन सेवक संघ का मैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आदरणीय अध्यक्ष शंकर सन्याल जी ने मुझ पर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है। मैं यह महसूस करता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट नाम से प्रसिद्ध है, उस समय स्थिति ऐसी थी कि देश में व्याप्त छुआछूत की भावना थी और छुआछूत की भावना से दुखी होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अलग एक अलग ही ग्रुप बनाना चाहते थे, अलग अधिकार लेना चाहते थे, एक अलग जमात बना करके चलना चाहते थे, जिसका कि विरोध राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया कि हम हिंदुस्तान में एक साथ रहें। एक तो देश पहले से ही विभाजन की कगार पर खड़ा उन्हें दिखाई पड़ता था, जो पाकिस्तान की नींव पहले ही पड़ गई थी, और दूसरे विभाजन का भय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लगा कि इससे भी विभाजन हो सकता है। इसलिए राष्ट्रपिता ने उपवास किया इस नीति के विरोध में, अंग्रेजों की इस नीति के विरोध में, दोनों को बांटने के विरोध में। एक समझौता हुआ 24 सितंबर को 1932 में, और उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, अपने हाथों से हरिजन सेवक संघ का संविधान लिखा। बाबा साहब ने पूछा आखिर अछूतोद्धार का काम कौन करेगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि हम करेंगे, और यह कह करके गांधी जी पूरे देश का दौरा किए। दौरा ही नहीं किए बल्कि पचकुइया में जो वाल्मीकि आश्रम था वहाँ उन्होंने रहना प्रारंभ किया, और रह करके हरिजनों के बीच हम रहेंगे, साथ ही साथ हम अगर हरिजन एक पक्ष हरिजन हो, दूसरा पक्ष कोई दूसरा हो, उसी शादी समारोह में हम जाएंगे, वरना हम इसका बहिष्कार करते हैं शादी समारोह में जाने का भी। वहाँ जब उनके बीमार हो गए वो, तब उनको ले जाया गया बिरला हाउस में, वहाँ रहे, लेकिन रहना उन्होंने प्रारंभ किया वहीं, और उसी क्रम उसके बाद इस आश्रम की स्थापना हुई हरिजन सेवक संघ की किंग्सवे कैंप में, ढाका गांव में इसकी स्थापना हुई। बिरला जी ने जमीन प्रदान किया और तब से अनवरत यह संस्था अछूतोद्धार के लिए काम कर रही है। उद्योगशाला खोल करके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई देकर, पढ़ाई पढ़ा करके उसको सशक्त बनाना, उसको संपन्न बनाना, समृद्ध बनाना, साक्षर बनाना, सक्षम बनाना, ये काम इस संस्था के माध्यम से बरसों बरसों से चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा के आर नारायण साहब माननीय राष्ट्रपति देश के बने, और कई पदाधिकारी IAS IPS भी इस विद्याहरिजन विद्यालय से निकले हुए बच्चों ने निकल करके देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज यह संस्था काफ़ी समृद्ध है और यह संस्था पूरे देश में कार्य कर रही है। हमारे हर जगह विद्यालय चल रहे हैं, हमारी एक्टिविटी हो रही है, हम दौरा कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी हर जगह जाकर के पूरे प्रांतों में घूम घूम करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ये जो भेदभाव की भावना है, छुआछूत की भावना है, जिससे राष्ट्रपिता बहुत बहुत द्रवित थे, दुखी थे, इसको मिटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दीदी निर्मला देश पांडे जी जब राज्यसभा के सदस्य थी, उस समय मैं भी राज्यसभा का सदस्य था, और उस समय हमें दीदी जी ने कहा कि नरेश तुम भी आओ इस संस्था में। अखिल भारत रचनात्मक समाज और हरिजन सेवक संघ का मुझे सदस्य बनाया गया और बिहार प्रदेश का मुझे अध्यक्ष भी बनाया गया, दीदी जी के कर कमलों से मुझे बनाया गया। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा और हम इस क्षेत्र में काम करते रहे बिहार में, और इसी क्रम में और भी हमें मजबूती मिली सर्वोदय आश्रम गांधीघर कुर्सेला को विकास करने के लिए दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके। मालवीया जी ने भी हमें अध्यक्ष रखा बिहार प्रदेश का, और फिर जब शंकर सन्याल जी मालवीया जी के बाद उनके मृत्युपरांत शंकर सन्याल जी बने हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष, तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, जिससे कि एक राज्य से लेकर के पूरे देश में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूँ और भ्रमण करके लोगों के बीच काम करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आदरणीय शंकर सन्याल जी के नेतृत्व में और पूरी हमारी टीम जो है, उस टीम में पिछले पड़े हुए जंग को हम छुड़ाने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, और गांधी जी के सत्य अहिंसा को
लागू करने के लिए हरिजनों के बीच में काम करेंगे, उनको उत्थान के लिए अनवरत प्रयास करेंगे। और उसी प्रयास के क्रम में यहाँ पर हम एक उद्योगशाला जहाँ चल रहा था उसी में टेक महिंद्रा जो स्किल एजुकेशन हम कौशल प्रशिक्षण दे करके लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, उसमें बच्चों को हरिजन बच्चों को भी आरक्षित किया गया है, वो बच्चे भी हमारे जा करके देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर सकें, रोजगार पर सकें, अपने परिवार में समृद्धि ला सके, ये कार्य हमारा हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन सत्य और निष्ठा से करने का प्रण लिया हूँ और करता रहा हूँ आगे भी, जब तक हम जिस देश से छुआछूत की भावना पूर्णतया मिट नहीं जाए तब तक हमारी संस्था ये संघर्ष करती रहेगी। और हम आगे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो वंचित क्लास के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा कर्तव्य हरिजन सेवक संघ का है। और इन्हीं कामना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय शंकर कुमार सन्याल जी के नेतृत्व में पूरा संगठन, पूरा हमारे कमेटी यूनाइटेड है और काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।